Sir. Good morning, my dear children, and good morning all of you. You are most welcome in today's online English class. Dear children, today I'm going to teach your favorite subject, English. So children, you are most welcome in Brihanmumbai Mahanagar Palika Shikshan Vibhag Prastut online education program. मैं आपका स्वागत है. Today's our topic is keeping quiet. Our class is fifth, subject is English. Today's date is 16th of October 2020. Today's day is Friday and my name is Mr. Rajkumar N. Bhaikar from Narelwadi School number 1, Santa Cruz East, Mumbai. And our YouTube channel is BMC EDU Hindi Standard 5. So children, our today's topic is keeping quiet. You know what is the meaning of keeping quiet? Keeping quiet का अर्थ क्या होता है? राजकुमार फिर से म्यूट हो गया आप. सर जो म्यूटेड एवरीवन आ रहा है सर, बार कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. होस्ट तो मैं ही हूँ और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ. नहीं तो कोहोस्ट भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि मैं सबको जो है ना, देखो मैं अभी क्या करता हूँ, सबका कोहोस्ट ऑफ कर देता हूँ. हाँ सर, कोहोस्ट बंद कर दीजिए सबका. सर आपको ये एडमिट करना पड़ेगा सबको भी. हाँ मैं करूंगा पाल सर, करते रहूंगा. अच्छा ओके ओके. कहीं से तो लेकिन इश्यू हो रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ. कहीं से तो हो रहा है, कहाँ से हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है. तो ठीक है, आप हो और मैं हूँ. हाँ सर चलिए अभी ओके सर, दोनों में अभी निपटाते क्या है. चलिए शुरू करो क्या, स्क्रीन शेयरिंग शुरू करो. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है. और क्लास इज फिफ्थ, सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टुडे टॉपिक इज कीपिंग क्वाइट. टुडे डे इज 16th ऑफ अक्टूबर 2020. टुडे डे इज फ्राइडे एंड माय नेम इज मिस्टर राजकुमार एन भाईकर फ्रॉम नारेलवाड़ी हिंदी स्कूल नंबर 1 सांता क्रूज़ ईस्ट. Our YouTube channel is BMC EDU Hindi Standard 5. Children, today our topic is Unit 2, Keeping Quiet. You know meaning of keeping quiet? Keeping quiet का अर्थ है बच्चों आपको? Keeping quiet का अर्थ होता है चुप रहना. Keeping मतलब रहना and quiet means शांत. So keeping quiet means शांत रहना. Okay. Children, we always express and share our thoughts, ideas. Expressions to others by language. बच्चों हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने हाव-भाव दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, जिसका माध्यम है भाषा. ओके children, हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने हाव-भाव को भाषा के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और अपनी भावनाएं, अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं. तो children, what is meaning of language? Language क्या होती है, भाषा क्या होती है, देखिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं हम लोग. द सिस्टम ऑफ साउंड राइटिंग एंड एक्सप्रेशन दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स. मनुष्य द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त जो ध्वनि होती है, जो आवाज होता है, उसके बाद लिखन और हाव भाव की प्रणाली, इसको ही हम लोग भाषा कहते हैं. तो बच्चों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी बातों के सामने रखते हैं, तो उसमें हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं. तो भाषा कितने प्रकार की हो सकती है, आप अंदाज लगा सकते हो किस प्रकार से हम लोग अपनी बातों को व्यक्त करते हैं.
आप अपनी बातों को बोलकर करते हैं, दूसरे प्रकार आप लिखकर भी अपनी बातों को आगे वाले सामने प्रस्तुत करते हैं, नेक्स्ट अपने इशारों के माध्यम से आप अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो चिल्ड्रन हम लोग अभी देखेंगे लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं भाषा के तीन रूप होते हैं। फर्स्ट वन इज ओरल लैंग्वेज, सेकंड वन इज रिटन लैंग्वेज, एंड थर्ड वन इज साइन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज बच्चों एक मौखिक भाषा होती है, रिटन लैंग्वेज जो होती है वह होती है लिखित भाषा, एंड लास्ट जो है साइन लैंग्वेज, इसको हम लोग बोलेंगे सांकेतिक भाषा, जो इशारों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। बच्चों अभी हम लोग ओरल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज ओरल लैंग्वेज? ओरल लैंग्वेज होती है इसमें बोलकर और सुनकर भाषा को समझा जाता है और बोला जाता है। ओके, भाषा को आगे वाला बोलता है, फिर जिसके सामने बोलता है वो सुनकर उसकी बात को समझता है, वो होती है ओरल लैंग्वेज। जैसे यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वन बॉय टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन, एक लड़का मोबाइल फोन पर बात कर रहा है, वो भी एक ओरल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है बच्चों। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, थ्री गर्ल्स आर टॉकिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ तीन लड़कियां बातें कर रही है, ये भी एक ओरल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब देखिए, हमेशा एफएम सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, वहां पर समाचार सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो वो भी एक ओरल लैंग्वेज का माध्यम है। देन लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एक लड़का जो है वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, टेलीफोन पर बात करना भी एक ओरल लैंग्वेज होती है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट है रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज का आपको बताया गया है लिखित भाषा। लिखित भाषा में देखिए हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं, लिखकर हम व्यक्त करते हैं और जो आगे वाला व्यक्ति है वह उसको पढ़कर समझता है और अपनी बात है वो उस तक पहुंच जाती है। तो देखिए रिटन लैंग्वेज के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है, बहुत सारी न्यूज आती है जिसको हम लोग पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं, समझते हैं। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर में, उसमें एक दो बॉय है वह अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, यानी वह लिख कर अपनी बात व्यक्त करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, थर्ड पिक्चर आप देख सकते हैं एक टीचर जो है वह बोर्ड पर एबीसीडी लिखकर बच्चों को बता रहे हैं, तो ये भी एक रिटन लैंग्वेज का एग्जाम्पल हो सकता है। उसी प्रकार से बच्चों आप गार्डन में जाते हैं, उसमें लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, कई कई पे लिखा होता है शांतता बनाए रखिए, तो इस तरह से आप बहुत जगह पे सूचनाएं लिखी हुई देख सकते हैं, तो वो हमको लिखित भाषा के रूप में लिखी होती है जिसे हम लोग रिटन लैंग्वेज के एग्जाम्पल के तौर पर जान सकते हैं। ओके, तो इसमें बच्चों लिखकर और पढ़कर भाषा समझी जाती है, इसे बोलेंगे हम लोग रिटन लैंग्वेज। नेक्स्ट लैंग्वेज है बच्चों साइन लैंग्वेज। आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस को जब भी जाते हैं गाड़ी से वगैरह, तो आप सिग्नल पे जब जाते हैं कभी कभी सिग्नल में खराबी होती है, तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस जो अंकल होते हैं वह आपके सामने इशारे करते दिखाई देते हैं, जिस तरफ से गाड़ियां आने देना है उस तरफ इशारे करते हैं, जिधर रोकना है उधर भी इशारे करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल है वह इशारे कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, रुकना है कि जाना है कि क्या करना है। ठीक है, अभी आप उसके बाजू वाले पिक्चर में देख सकते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम बहुत सारी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपको भूख लग गई तो आप इशारे के माध्यम से देखिए वो जो लड़की है जो गर्ल है वह अपने हैंड को किस तरह से कर रही है, आप देख सकते हैं ये जो लड़की है इसका हाथ मुंह की तरफ जा रहा है, मतलब ये हमको व्यक्त करना चाहती है कि वो कुछ खाना चाहती है या उसको भूख लगी है। नेक्स्ट देखिए ड्रिंक, पीने के लिए आप किस तरह से उपयोग कर सकते हो, देखिए पानी पीने के लिए किसको पानी चाहिए तो हाथ से हम लोग इशारे करके बता सकते हैं। उसके बाद दूध पीने के लिए, देखिए उसको दूध चाहिए तो इस तरह इशारे कर रही है, कुछ चीज ज्यादा चाहिए मोर चाहिए तो उसके देखिए वह साइन लैंग्वेज का उपयोग कर रही है। इस तरह से आप बाकी पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से साइन लैंग्वेज उपयोग में आती है। जैसे आपस में भी आप लोग
बातें करते हैं तो कोई तो आपका फ्रेंड है वो इशारों में बता देता है आपने जो क्वेश्चन किया है। ओके तो इस तरह से बच्चों साइन लैंग्वेज एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने उदाहरण देखा खाने के लिए किस तरह से इशारे कर रहे हैं, पीने के लिए, इस तरह से बच्चों आप साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, अपनी बात दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए इशारों या संकेतों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी आपको हमने बताया कि ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल जो है किस तरह से इशारों के माध्यम से हमें सिग्नल देते हैं। उसी प्रकार से बच्चों आप कभी कभी रनिंग में भाग लिए होंगे, रनिंग में भी एक रेफरी होते हैं जो हाथ में झंडा लेके रहते हैं, तो जब सब बच्चे तैयार हो जाते हैं दौड़ने के लिए तो फ्लैग को नीचे करके आपको संकेत देते हैं कि आप अभी रनिंग शुरू करना है। ओके चिल्ड्रन, तो जो हमारा आज का टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, इस टॉपिक में साइन लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग साइन लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके लेट्स सी इसमें क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं यूनिट टू कीपिंग क्वाइट। देखिए बच्चों इसमें टू गर्ल्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। वन गर्ल सेइंग समथिंग बट द सेकंड गर्ल इज ओनली यूज ओनली साइन लैंग्वेज, सिर्फ इशारों के माध्यम से बताती है। तो हमें गे करना है इसमें, देखिए एक्टिविटी नंबर वन, लिसन केयरफुली एंड इन अ पेयर। ओके तो बच्चों देखिए इसमें एक्टिविटी में दो गर्ल्स है, एक गर्ल और दूसरी गर्ल। एक गर्ल उसको जो उसकी फ्रेंड है उससे बात करती है, लेकिन जो उसकी फ्रेंड है वह क्या कर रही है, सिर्फ इशारों में संकेतों के माध्यम से उसे जवाब दे रही है। देखिए हम लोग अभी एक एक कन्वर्सेशन देखेंगे इनके बीच में कौन कौन सी बातें हुई, तो क्या बोलती होगी आपको गेस करना है। ठीक है चलो देखती है। फर्स्ट सेंटेंस दिया है बच्चों, फर्स्ट कन्वर्सेशन में दिया है, हेलो नमिता, एक जो लड़की है वो बोल रही है अपने फ्रेंड को जिसका नाम है नमिता। तो वो क्या बोल रही होगी, देखिए वह स्माइल दे रही है, मतलब वो भी कुछ कह रही है। तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि वह क्या बोलना चाहती है, वो क्या बोल रही होगी, हाय। उसके साथ वह उसका नाम भी ले सकती है, उसका नाम जैसे हम लोग रख देते सोनिया। ओके तो वो क्या बोल रही होगी, हाय सोनिया। जैसे फर्स्ट गर्ल ने बोला हेलो नमिता, तो उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि वह क्या बोलना चाह रही है, स्माइल दे रही है, मीन्स वह उसको रिस्पॉन्स कर रही है कि हाय सोनिया। नेक्स्ट देखते बच्चों, आर यू बिजी, जो उसकी फ्रेंड है सोनिया जिसका हमने नाम रखा है सोनिया, वह पूछ रही है अपने फ्रेंड से जिसका नाम क्या था, नमिता। नमिता से पूछ रही है आर यू बिजी, क्या आप बिजी हो, तो क्या बोल रही होगी, आप गेस कर सकते हैं क्या बोल सकती बच्चों, अंदाज लगाइए। देखिए वो उसका एक्सप्रेशन क्या दिखाई दे रहा है आपको, वह सिर हिला रही है यानी वह नहीं बोल रही है। तो क्या बोलेगी वह, नो आई एम नॉट बिजी। वैकेंसी से वह बोल सकती है कि नो आई एम नॉट बिजी, आप इशारों के माध्यम से समझ सकते हैं उसकी भावनाएं क्या बोल रही है, वो क्या बोलना चाह रही है, बोल रही है कि मैं बिजी नहीं हूं। नेक्स्ट देखते बच्चों, शॉल वी गो आउट टू प्ले, क्या हम खेलने जा सकते हैं, क्या हम खेलने जाएंगे। देखिए उसके एक्सप्रेशन आप अगर गौर से देखेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं, वो क्या बोलना चाहती है, वह बोलना चाहती है नो, क्या बोलना चाहती है, देखिए उसके हाथ की तरफ देखिए, वो क्या बोलना चाहती है, नो आई डोंट वांट टू प्ले, मैं खेलना नहीं चाहती। अभी नेक्स्ट देखिए बच्चों, हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वह पूछ रही है सोनिया, हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ तुम्हें। देखिए उसके हाव भाव, जो नेक्स्ट गर्ल है नमिता वह क्या बोल रही है, वह बोलना चाहती है नथिंग, कुछ नहीं हुआ मुझे, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके आप एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि वह बोल रही है मुझे कुछ नहीं हुआ, नथिंग आई एम फाइन। आर यू एंग्री विथ मी, क्या मुझ पर गुस्सा हो, सोनिया बोलती है नमिता से, आर यू एंग्री विथ मी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। देखिए जो नमिता है क्या कर रही है, उसके इशारे देखिए आप,
के हाथों की तरफ देखिए, दोनों हाथों को नकारते हुए नहीं बोलते हुए बोल रही है नो। क्या बोल सकती हो? नो, आई एम नॉट एंग्री विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्सेशन है, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकती हूँ? तो देखिए बच्चों, नमिता की एक्सप्रेशन क्या है, स्माइल कर रही है, खुश दिख रही है, मतलब वह क्या बोलना चाहती है, यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं ले सकती, ले लो। नेक्स्ट वन इज वेयर इज इट, अब जो सोनिया है वह पूछती है नमिता से, वेयर इज इट, कहाँ है पेन, कहाँ है? देन नमिता पॉइंटेड टू हर कंपास बॉक्स, देखिए उसके कंपास बॉक्स की तरफ वह इशारा कर रही है, पॉइंट कर रही है कि वह जो पेन है वह कंपास बॉक्स में है। ओके, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन माय बॉक्स और इन माय कंपास बॉक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज वेयर मिताली, मिताली कहां पर है? देखिए जो नमिता है उसके एक्सप्रेशन के तरफ ध्यान दीजिए आप लोग, उसके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि वह बोलना चाहती है कि उसे पता नहीं है, तो क्या बोलेगी इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में, वो बोल सकती है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। देखिए उसके हाथ के इशारों से समझ में आ जाता है कि वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है आई डोंट नो। नेक्स्ट वन इज वेयर समा, समा कहाँ है? तो देखिए बच्चों, वो जो नमिता है वह पॉइंट कर रही है किसी एक दिशा की तरफ, डायरेक्शन कर रही है कि उस तरफ, तो वो क्या बोल सकती है, देयर, वहां पर है, वेयर इज समा, समा इज देयर, समा कहाँ है, वहां है। ओके, देन सोनिया आस्किंग टू नमिता ऑन द प्लेग्राउंड, क्या वो खेल के मैदान पर है, प्लेग्राउंड में? देखिए वो हाथ से इशारा कर रही है नो, क्या बोल रही है वह, नो। उसके हाथ के इशारे से हम लोग समझ सकते हैं कि वह क्या जवाब दे रही है। तो ये बच्चों सांकेतिक भाषा के माध्यम से ये जो नमिता है वह अपने आंसर अपने फ्रेंड को बता रही है। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस दिया, देखिए इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, वो पूछ रही है ऑफिस में है। देखिए इसके एक्सप्रेशन देखिए, अभी इसमें एक्सप्रेशन में दिया गया है, उसके हाव भाव देखिए आप लोग, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, यस वह यस बोलना चाहती है, इन द ऑफिस, यस। देन आई थिंक आई विल गो टू हर, मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके पास जाऊं। तो देखिए उसके हाथ के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि ओके, देखिए वो क्या बोल रही है, ओके बाय। तो बच्चों इस तरह से हम लोग आसानी से अभी नमिता के हाव भाव जो थे समझ चुके हैं, नमिता के हाव भाव से हम आसानी से जान सकते हैं कि वो अपनी फ्रेंड सोनिया से क्या कह रही है। इस तरह से आप भी अपने फ्रेंड के साथ कीपिंग क्वाइट का गेम खेल सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, आप ट्राई कीजिए, आपके घर में छोटे भाई बहन है उनके साथ इस तरह से इशारों में बात करने का एक गेम है बच्चों, यहाँ इसको आप घर में प्ले कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स साथ खेल सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है यह। देन अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो दी हुई है, से व्हाट नमिता माइट से इन ईच ऑफ द अबोव पिक्चर, ऊपर के प्रत्येक चित्र में नमिता क्या कहती होगी यह बताओ। बच्चों इस एक्टिविटी को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी फिर भी देखते हैं उसके आंसर क्या होंगे। अभी मैंने आपको समझाते समय बता दिया है कि हेलो, जैसे ये जो नमिता है वह क्या उत्तर दे रही है, देखिए हेलो नमिता क्या बोल रही है, हाय सोनिया। नेक्स्ट वन आर यू बिजी, देन नमिता का आंसर इज नो आई एम नॉट बिजी। ओके, देन नेक्स्ट Shall we go out to play? इसमें देखिए बच्चों नमिता का आंसर क्या है, नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले। हे what's wrong with you? नमिता से नथिंग आई एम फाइन, उसने बोला नहीं था, उसने एक्सप्रेशन के माध्यम से अपने भाव अपने हिसाब के माध्यम से बोला था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं अच्छी हूं। देन
आर यू एंग्री विथ मी? इसका उत्तर क्या दिया देखिए उन्होंने इशारों के माध्यम से, नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ. नेक्स्ट वन इज कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकती हूँ? देखिए उसके हाव भाव के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं ले सकते. नेक्स्ट वन इज वेयर इज इट, वह कहाँ है? देन सी टेल हर बाय पॉइंटिंग टू कंपास बॉक्स, इन माय कंपास बॉक्स. ओके नेक्स्ट वन इज वेयर इज मिताली, उसके हाथों के ऊपर से हमने अंदाज लगा लिए है कि वो क्या बोलना चाहती है, आई डोंट नो. नेक्स्ट वन इज वेयर इज समा, सी इज देयर. मिताली वेयर इज समा, सी इज देयर. नमिता पॉइंटिंग टू कौन डायरेक्शन, एक दिशा की तरफ वो पॉइंट कर रही है, मतलब वो बोल रही है कि वह वहां है, सी इज देयर. नेक्स्ट वन इज ऑन द प्ले ग्राउंड, नो. देखिए उसके हाव भाव के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि वो क्या बोल रही है, वह खेल के मैदान पर है, नहीं. इन द ऑफिस, यस. देखिए सिर हिला रही है, सिर नीचे करके भी हम लोग अपना आंसर हाँ में दे सकते हैं. नेक्स्ट वन इज देन आई थिंक आई विल गो टू हर, तो देखिए वो क्या बोल रही है, हाथ इशारे से बाय कर रही है. ओके बाय. तो बच्चों इस तरह से आपको जो सेकेंड एक्टिविटी है यह कंप्लीट करना है. देन नेक्स्ट वन इज थर्ड एक्टिविटी देखते हैं हम लोग. फॉर्म पेयर एंड प्ले द गेम ऑफ कीपिंग पॉइंट बाय टेकिंग टर्न्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस, जोड़ियां बनाकर बारी बारी से प्रश्न पूछते हुए कीपिंग पॉइंट यह खेल खेलो. तो देखिए बच्चों इसमें आपको क्या करना है, जिस तरह से नमिता और उसकी फ्रेंड सोनिया दोनों में कन्वर्सेशन हुआ है, उसी तरह से आपको भी यह गेम खेलना है आपके छोटे भाई बड़े भाई या अपने फ्रेंड्स के साथ. तो आपको इसमें इन दोनों गर्ल्स की तरह एक कन्वर्सेशन करना है, और कन्वर्सेशन में आप जो है आप डायरेक्शन के माध्यम से या अपने संकेत के माध्यम से आंसर करेंगे, और आपका जो फ्रेंड है वह कुछ आपसे क्वेश्चंस करेगा. ओके तो हम लोग देखिए बच्चों इसमें किस तरह से क्वेश्चंस ले सकते हैं. आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है फर्स्ट ए, जैसे आप हो ए और आपका फ्रेंड है बी. देखिए इसमें ए बोल रहा है बी से हेलो हेलो, देन बी से हाय. ओके हाउ आर यू बच्चों, देखिए आई एम फाइन, आई एम फाइन के लिए किस तरह से कर सकते हो लोग, हाथ के हिसाब से उनको बता सकते हो कि आप ठीक हो. देखिए अभी वेयर योर फ्रेंड मोंटी, आपका दोस्त मोंटी कहाँ है, आप इशारों के माध्यम से बता सकते हैं आई डोंट नो. जैसे कि आई डोंट नो का इशारा आपको मालूम है किस तरह से आई डोंट नो बोला जाएगा, हाथ के इशारे से हम लोग हाथ को नकारात्मक रूप से शो कर सकते हैं. वेयर इज गोलू, देखिए ही प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट को किस तरह से खेलते हो एक्सटेंड करके भी आप बता सकते हो. देन नेक्स्ट वन इज डिड यू सी माय बैग, क्या आपने मेरा बैग देखा, यस. उस आपको टेबल पे बताना है तो आप उसको पॉइंट करके बता सकते हो, यस. हाँ सिर को हिलाकर आप उसको पॉइंट कर सकते हो टेबल की तरफ, यस. देन आर यू गोइंग टू होम नाउ, क्या तुम अभी घर जा रहे हो, तो आप इसको सिर हिलाकर इसका आंसर दे सकते हो, और हाथ के माध्यम से हाथ पलटा कर बोल सकते हो नो आई विल गो लेटर, बाद में जाऊंगा. ओके अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इसमें, विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा गेम आपको बहुत पसंद है. तो आप पैर के माध्यम से किक करते हुए आई लाइक फुटबॉल का संकेत दे सकते हैं. इस तरह से बच्चों आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने भाई बहनों के साथ कितनी पैर का गेम खेल सकते हो, आप एक बार खेल के देखिए आपको बहुत मजा आएगा. ओके अभी देखिए बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 4, मैच द एक्शंस एंड देयर मीनिंग, राइट द अप्रोप्रिएट स्पीच नियर ईच पिक्चर. ओके तो बच्चों इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें वन साइड में कुछ एक्शंस वाले पिक्चर दिए हुए हैं. आप देख सकते हैं इसमें एक ग्रैंडपा है, एक दादाजी का पिक्चर दिखाई दे रहा है, वो इशारे कर रहे हैं. देन सेकंड में आप देख सकते हैं एक जो बॉय है अपने हाथ को इस तरह से पेश कर रहा है जो कुछ बोलना चाह रहा है. देन इसमें देखिए एक जो गर्ल है वह पॉइंट कर रही है आगे की ओर,
वो कुछ पूछना चाह रही है, देन का देखिए वो लटका हुआ है, इस लड़की का लटका हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें समझना है इसका हाव-भाव क्या बता रहा है हमको, यह पता करना है। उसके बाद देखिए एक लेडीज है, यह हाथों के माध्यम से आप भी ऐसा बहुत बार देखे होंगे कि इस तरह का ऐसा मतलब दिया जाता है। देन देखिए एक ग्रैंडमा है, यह भी किस तरह से एकदम शरीर पर पूछ रही है या कुछ इसके साथ गड़बड़ हो गई है, तो ये भी कुछ एक्सप्रेशन कर रही है। उसके बाद देखिए बच्चा है, या दोनों हाथों को इस तरह से कर रहा है, देखिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, तो समझ में आ जाएगा। देन ये जो बॉय है यह अपने फिंगर को अपने हेड पर रख रहा है, मतलब ये कुछ सोच रहा है। देन ये देखिए इस लड़की के एक्शन आप देख सकते हैं, ये क्या करना चाहती है, देन क्या लड़की आप देख सकते हैं। तो बच्चों इस पर आपको तीन एक्शन के रिलेटेड वर्ड्स दिए हैं, फ्रेजेस दिए हैं, इसको आपको इनके साथ मैच करना है। तो इसको नंबर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके, यहाँ पर आप लोग 10 तक नंबरिंग कर देंगे और ध्यान रखेंगे। अभी एक करके हम लोग देखते हैं पिक्चर, ओके। तो अभी हम लोग इस जो सेंटेंस दिए हैं उसको रीड कर लेते हैं। कम हियर, आई कांट हियर यू, देन इट्स वेरी गुड, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट, लेट मी थिंक, What a big surprise! Are you ready? What's wrong? बच्चों इस तरह से आपको 10 sentences दिए गए हैं, 10 pictures दिए गए हैं, तो आपको pictures को और sentences को match कराना है, okay? आप देख सकते हैं कि जो grandpa है अपने action को show कर रहे हैं कि What is the action of grandpa? Grandpa की action क्या है इसमें? आप देख सकते हैं, देखिए आपने तो दिया है I can't hear you, let me think, are you ready, are you crazy? तो आप इसमें देख सकते हैं कि अंकल जो है, ये grandpa जो है, यह क्या करना चाहते हैं, देखिए वो कान के ऊपर हाथ करके हुए है, यानी उनको सुनाई नहीं आ रही है प्रतीत हो रहा है। तो हम देख सकते हैं इस अंतर I can't hear you, तो जो grandpa का पिक्चर है वहां पर आप पेंसिल से नंबर 2 लिख लीजिए। आपको पहले ही बताया हमने कि आपको इनको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आई कांट हियर यू है, यह ग्रैंडपा के पास 2 नंबर लिखना है, जैसे कि ये 2 नंबर पर आएगा तो ग्रैंडपा के बाजू में 2 नंबर लिखकर आपको रखना है, ओके। देखिए ग्रैंडपा का एक्शन, उनका आंसर है आई कांट हियर यू, मैं मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, ओके। लिख देते हैं नेक्स्ट एक्शन आपको हो रही है, वन बॉय इज डूइंग एक्शन समथिंग, कुछ इशारों के माध्यम से कुछ करना चाहता है। देखिए उसके हाथ, वह किसी को बुला रहा है, ओके। वो क्या करना चाह रहा है, वह बुलाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या सेंटेंस आएगा, कम गेन आएगा या आई डोंट आएगा या आर यू रेडी आएगा या व्हाट्स कम आएगा, तो बुलाने बुलाना जो है वो होता है कम, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस आएगा इस बॉय के साथ कम हियर यह सेंटेंस मैच होगा, ओके। तो आपको जो कम हियर है जो फर्स्ट नंबर पर दिया गया है उसको इस बॉय के बाजू में इतना है, ओके। नेक्स्ट वन इज आंसर देखिए, कम हियर, देन वन गर्ल पॉइंट कर रही है, कुछ आगे की तरफ इशारा कर रही है, तो क्या बोलना चाहती होगी, जैसे कि हम लोग करते हैं दोस्त को किसी को बता के हमको जाना है, जब हम उस घर पहुंच जाते हैं तो हम पूछते हैं आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, तो ये पूछ रही है क्या तुम तैयार हो। तो इसका जो सेंटेंस है यह है नंबर 7 पर, ओके। 7 नंबर को इस गर्ल्स के बारे में आपको लिखना है, इसका आंसर जो आएगा देखिए आर यू रेडी, यह क्या कहना चाह रही है, क्या तुम तैयार हो। देख देखते बच्चों एक लड़का जो है इसका मुंह लटका हुआ है, इसका मुंह लटका हुआ है, तो क्या बोलना चाहता है, इसको कोई चीज दी होगी जो उसको पसंद नहीं है, बराबर, यानी कोई चीज को पसंद है तो क्या बोल रहा होगा, आई डोंट लाइक इट, क्या बोल रहा होगा, आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है। देखिए हम भी कभी कभी ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि
जैसे हमें कुछ चीज पसंद नहीं आती तो हमारा भी मुंह लगा करके हम लोग बोलते हैं आई डोंट लाइक इट। ओके, तो इसमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से आंसर आएगा आई डोंट लाइक इट। आपको आई डोंट लाइक इट कितने नंबर पे दिया है देखिए, 5 नंबर पे। इस बॉय के पास आपको नंबर 5 लिखना है। ओके, इसका आंसर है आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट वन इज देखिए, एक आंटी जो है वह हाथों के माध्यम से उनको बताना चाह रही है कि कोई चीज है वो उनको बहुत पसंद आ गई। जब कुछ बहुत पसंद आती है तो हम किस तरह से उंगलियां कर इस तरह हाथों का इस तरह करके हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन है, आई डोंट नो, आई एम क्रेजी, व्हाट्स रॉन्ग एंड इट्स वेरी गुड। क्या कहना चाह रही है, इट्स वेरी गुड या बहुत अच्छा है या जानिए यह इस तरह से बोलना चाह रही है। तो इसका आंसर हमारा आएगा इट्स वेरी गुड। जो इट्स वेरी गुड था जो वह थर्ड नंबर पे लिखा था, तो इसमें आपको इस पिक्चर के बाद में आपको नंबर 3 लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रैंडमा। देखिए उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है कि वो कुछ पूछ रही है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ। देखिए आपकी मम्मी भी इस तरह आपको एक्शन करती है, एक्शन भी करके बोलती भी है, सिर पे हाथ रखते हुए या गाल पे हाथ रखते हुए इनको इस तरह से करते हैं कि हमको पता चल जाता है कि पूछ रहे हैं क्या हुआ। ओके, तो इसमें से जो बहुत स्ट्रॉन्ग है यह आपका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये जो बॉय है दोनों हाथों को इशारा करते हुए दोनों हाथों से वह क्या कर जा रहा है उसको, और देखिए उसका जो फेस है वह एक्सप्रेस कर रहा है कि उसके चीज की जानकारी कोई आगे पूछ रहा है, बोल रहा है आई डोंट नो, क्या बोल रहा है आई डोंट नो। तो ये जो नंबर 4 पर आई डोंट नो लिखा हुआ था इसको आपको इस बॉय एक्शन के साथ लिखना है। ओके, मैच कराना है। देखिए इसका आंसर आई डोंट नो। नेक्स्ट प्लीज, वन बॉय इज थिंकिंग समथिंग, वो आपको सोचते हुए दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको ठीक और सेंटेंस बोलना है व्हाट आई डोंट लाइक इट, लेट मी थिंक, व्हाट अ बिग सरप्राइज। इसमें मत देखिए थिंक, वो आपको सोच रहा है तो बोल रहा है ये सोचने दो। ओके, तो इसका आंसर आएगा इस बॉय एक्शन का तो सेंटेंस मैच होगा वह लेट मी थिंक। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर लेट मी थिंक आया है, वह अपने हेड पर माथे पर हाथ रखे उंगली रखते हुए पॉइंट कर रहा है कि मुझे कुछ सोचने दो, मुझे सोचने दो। ओके, अभी एक गर्ल जो है वह भी इस तरह से एक्सप्रेस कर रही है तो किसी की कुछ बात है उसको सुन रही होगी, तो वो बोलिए आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी इसका आंसर आएगा। देखिए इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है आर यू क्रेजी। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए एक लड़की आपको बहुत खुश दिखाई दे रही है, आपको बहुत खुश दिखाई दे रही है राइट, या तो इसे कुछ नया देखने को मिला होगा या किसी को किसी ने गिफ्ट किया होगा, तो उस समय इसको एकदम आश्चर्य हो गया, एकदम चकित हो गई, तो क्या बोलते हैं कि व्हाट अ बिग सरप्राइज। इसमें इट्स वेरी गुड का एक तो हमको नहीं लग रहा है, आर यू रेडी का भी समझा नहीं लग रहा है, व्हाट रॉन्ग क्या हुआ यह भी एक्शन हमको हो रहा है, हमारा जो एक्शन है यह सेकंड जो है व्हाट अ बिग सरप्राइज एक्शन इस गर्ल के साथ मैच हो रहा है, तो हम लोग इसे इस गर्ल के साथ मैच करेंगे। देखिए इसका आंसर है व्हाट अ बिग सरप्राइज। देन नेक्स्ट वन, तो इस तरह से बच्चों आपको ये जो मैच द पेयर्स है इस तरह से आपको नंबरिंग करते हुए इस पिक्चर को और इस तरफ जो डायलॉग दिए हैं जो सेंटेंस दिए हुए हैं आप क्या करना है मैच करना है। अभी देखते हैं बच्चों फिफ्थ एक्टिविटी, फॉर पेयर ऑफ गुड यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिफोर और आफ्टर एनी ऑफ दोस गिवन अबव टू मेक शॉर्ट मीनिंगफुल डायलॉग्स। जोड़िया अथवा गुड बढ़ाओ नीचे दिए गए वाक्यों में से एक या अनेक वाक्यों को ऊपर दिए वाक्यों में से किसी भी वाक्य के आगे या पीछे जोड़कर संक्षिप्त और अर्थपूर्ण संवाद बनाओ। तो बच्चों देखिए फिफ्थ एक्टिविटी में
आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। देखिए एक सेंटेंस दिया है, दिस कार्ड इज फॉर यू। नेक्स्ट वन इज, एक्सक्यूज मी डिड यू रीड दिस बुक, वेयर आर यू। फिफ्थ वन इज, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर है बच्चों वेट, WAIT, वेट, आई एम कमिंग। सिक्स वन इज रियली, सेवन थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वन इज आई एम सॉरी, नाइन्थ वन इज नथिंग एवरीथिंग इज फाइन। तो बच्चों ये सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, इन सेंटेंसेस के आगे या पीछे जो हमने अभी सेंटेंसेस देखे थे, पिक्चर का जो मैच किए हैं उन सेंटेंसेस को आगे या पीछे लगाकर और डायलॉग बना है। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस दिया था हमारा, दिस कार्ड इज फॉर यू, यह कार्ड तुम्हारे लिए है। ओके, तो आपको जैसे पहले पता नहीं होगा कि अगर आपको दिया जाने वाला है तो आप चकित हो सकते हैं कि अरे वाह, यह मुझे कैसे दिया गया। ओके, तो आपके वो एक आश्चर्यचकित होने वाली बात रहेगी, तो आप बोल सकते हैं व्हाट अ सरप्राइज। ओके, दिस कार्ड इज फॉर यू, आप इसके साथ जोड़ते हैं व्हाट अ सरप्राइज। एंड जो आपको कार्ड दिया गया है वह आपको पसंद है, आप इसके साथ बोल सकते हैं इट्स वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं आप? इट्स वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से आप दिस कार्ड इज फॉर यू के बाद इस तरह से दो डायलॉग, दो सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्यूज मी। तो जैसे आपको किसी ने बोला आर यू क्रेजी, तो आप बोल सकते एक्सक्यूज मी, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। आपको उसकी बात पसंद नहीं आई तो आप बोल सकते एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ओके, नेक्स्ट वन इज, डिड यू रीड दिस बुक, क्या आपने बुक यह पढ़ी थी? तो आपको बहुत पुरानी बात होगी तो ध्यान नहीं रहेगा, आप उसको बोल सकते हैं लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, मुझे जानने दो कि मैंने पढ़ी थी या नहीं। देन डिड यू रीड दिस बुक, यस इट्स वेरी गुड। ये जो सेंटेंस है बच्चों, आपको ये इट्स वेरी गुड सेंटेंस दिया है, तो आप उसके सामने ये अपने मन से ला सकते हैं। वह बहुत अच्छी है, यह बहुत अच्छी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, वेयर आर यू, इफ समवन आस्क यू वेयर आर यू, तो अगर आप बड़ी जगह पर गए होंगे तो आपको प्लेस का नाम पता नहीं होगा, आई डोंट नो, परफेक्ट पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज, वेट आई एम कमिंग, ये सेंटेंस दिया है तो इसके पहले आपको अगर कोई पूछेगा आर यू रेडी, इसको पहले जोड़ना है बच्चों, ये सेंटेंस है आर यू रेडी, इसको पहले जोड़ना है, उसके बाद हमारा आंसर आएगा वेट, हाँ रुको आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इस तरह से आप आर यू रेडी यह सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको यह सेंटेंस इस सेंटेंस के पहले जोड़ना है। ओके, ये वाले सेंटेंस के पहले जोड़ना है। बच्चों देखिए, रियली सच में, तो इसके पहले आपको ये सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी बहुत अच्छा है। तो आप जैसे आपने किसी को दिया और वो उसको पसंद आ गया तो बोलेगा इट्स वेरी गुड, आप बोलेंगे रियली सच में। अब इस तरह से इसके पहले सेंटेंस जोड़ सकते हैं, देखिए हमने आपको यहाँ से इस तरह से दिखाया है कि यह पहले सेंटेंस आएगा, उसके बाद यह उसको यूज कर सकते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट है, थैंक यू वेरी मच, ये सेंटेंस है दिया हुआ है, तो जैसे आपके पास कोई तारीफ करेगा आपकी वस्तु की इट्स वेरी गुड, तो आप बोल सकते हो उनको थैंक यू वेरी मच, उनको बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए बच्चों दिया है आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी को, आई एम सॉरी के साथ कौन कौन से सेंटेंसेस आ सकते हैं? आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, क्षमा करो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। ओके,
ओके आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी के बाद ये बात बोल सकते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट नो, मुझे माफ कीजिए या मुझे पता नहीं है। जैसे आपसे किसी ने कुछ एड्रेस पूछा या कुछ पूछा तो आप बोल सकते आई एम सॉरी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मुझे माफ कीजिए। देन आई एम सॉरी आई डोंट लाइक इट, मुझे माफ कीजिए मुझे यह पता नहीं है। उस तरह से आप आई एम सॉरी के साथ सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एंड लास्ट, नथिंग एवरीथिंग इज फाइन, कुछ नहीं सब कुछ ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों, जैसे आपसे किसी ने सेंटेंस कुछ सवाल किया, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, आप बोल सकते हैं नथिंग एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। ओके तो बच्चों इस तरह से हमारा जो कीपिंग क्वाइट का लेसन है वह यहाँ पे समाप्त होता है।